गुड मॉर्निंग एवरीवन, मी सोनम यादव, साइंस टीचर फ्रॉम सूरत स्कूल, वेलकम्स यू ऑन बिहाफ ऑफ सूरत स्कूल, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मैनेजमेंट इन महेंद्रगढ़। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू टॉपिक अडेप्टेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अडेप्टेशन? सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि अडेप्टेशन होता क्या है। द स्पेशल फीचर acquired by an organism to live in the surroundings. Special feature जो एक organism acquire करता है किसी भी surroundings में रहने के लिए, उसको बोलते हम adaptations. Next, habitat. What is habitat? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर ग्रो करता है। ऑन द बिहाफ बेसिस ऑफ हैबिटेट We have grouped plants into two types. Habitat के basis पे हमने plants को two types में divide किया है. Terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants. सबसे पहले ये कि terrestrial plants होते क्या हैं? Plants that grow on land. मीन्स जो जमीन पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एग्जाम्पल नीम, पीपल एटसेट्रा। सेकेंड, एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पानी में ग्रो किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल लोटस, वाटर हाइसिंथ एटसेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्रेंस Terrestrial plants are of five types. First, plains. Plants that grow in plains. Second, plants that grow in deserts. Plants that grow in hilly areas. Plants that grow in marshy areas. Plants that grow in coastal areas. सबसे पहले plants growing plains means वो plants जो plains में समतल इलाकों में grow किए जाते हैं। The climate of plains is hot during winter and cold during summer. Winter के time में hot होता है और summer के time में cold होता है। दूसरा, the branches of these plants are many branch means branches बहुत सारी होती हैं और जो leaves होती हैं वो autumn में पतझड़ के मौसम में गिरती हैं। example neem, peepal etc. second is deserts. plants that grow in deserts, वो plants जो desert में grow करते हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, little rainfall होती है, जिसकी वजह से जो roots होती हैं वो deeply under the ground होती है, मींस ग्राउंड में नीचे तक पेनेट्रेट कर जाती हैं। एंड द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ दीज आर कैक्टस। नाउ थर्ड इज हिली एरिया प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज हैव कॉनिकल शेप, मींस उनकी शेप कॉनिकल होती है, कोन शेप प्लांट्स होते हैं, जिस क्योंकि वहां पे पूरे साल भर बर्फ गिरती है। कॉनिकल शेप इस वजह से होती है ताकि बर्फ जब इनके ऊपर गिरे तो फिसल के वो नीचे जमीन पे गिर जाए। लीव्स आर वैक्सी, नीडल लाइक एंड नैरो। एग्जांपल्स ऑफ दिस हिली एरियाज प्लांट्स आर पाइन, देवदार एटसेट्रा। फोर्थ इज मार्शी एरिया प्लांट्स। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मार्शी एरियाज प्लांट्स इज मैंग्रोव। मैंग्रोव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्शी एरियाज के लिए, बिकॉज इन एरियाज में जो सॉइल होती है वो काफ़ी स्टिकी नेचर की होती है, वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए जो रूट्स होती हैं वो वेल डेवलप नहीं होती हैं
और प्लांट्स एयर से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाते, इसलिए वो ब्रांचेस से ब्रीदिंग रूट्स डेवलप करते हैं जो उनको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। नाउ कोस्टल एरियाज, प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर वेल डेवलप टू अडेप्ट इन वेट क्लाइमेट बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इज वेट एंड हॉट। एग्जाम्पल कोकोनट, टीक, रबर एक्सेट्रा। नाउ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट फ्लोटिंग, सेकेंड फिक्स्ड प्लांट्स एंड थर्ड इज सबमर्स्ड प्लांट्स। फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर वाटर हायसिंथ। These plants float on the surface of the water body. Their roots are not so well developed. उनकी roots well developed नहीं होती हैं। जो leaves होती हैं वो photosynthesis process करती हैं ताकि plant को food मिल सके। Second is fixed plants. Fixed plants are have roots that are well developed and reach to the bottom of the water body. Example lotus. Their stems are hollow and long. थर्ड इज सबमर्स्ड प्लांट्स। सबमर्स्ड प्लांट्स एग्जाम्पल टेप ग्रास, पॉन्ड वीड। दीज रूट्स आर वेल डेवलप्ड एंड दीज प्लांट्स आर फुल्ली सबमर्स्ड इन वाटर। मीन्स ये प्लांट्स पानी की जो वाटर बॉडी है, पॉन्ड लेक है, उसके अंदर बिल्कुल तली में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से ही एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ आउट अदर देन दीज प्लांट्स देर आर सम अदर प्लांट्स लाइक नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन प्लांट्स के अलावा भी कुछ और प्लांट्स होते हैं जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? जो ग्रीन कलर में नहीं होते, मींस जो दे लैक क्लोरोफिल द ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स आर मशरूम्स एंड मॉल्ट्स। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इन just like to trap insects. These are called insectivorous plants. Examples of these plants are picture plant and Venus flytrap. In picture plant, the leaf of the plant is modified just like a picture. घड़े की शेप में होती हैं, just like ऐसे होती हैं इनकी शेप। This is the lid of the leaf. When the insect sticks on it sit on this lid covers the mouth of the picture and the insect get traps. जो इंसेक्ट है जब यहाँ पे बैठता है तो ये जो ढक्कन है वो कवर हो जाता है, ठीक है, और इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जकड़ा जाता है। इसके बाद ये फर्दर डाइजेशन प्रोसेस करते हैं और अपना जो न्यूट्रिशन है वो इस इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू। Have it? No.